कुछ पॉइंट्स को बोर्ड पे कंसीडर किया है, इनको डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, लिया गया कॉन्करेंट लाइन्स, कोलिनेरिटी ऑफ पॉइंट्स और कोइंसिडेंट पॉइंट्स। तीनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट को, तो लास्ट तक आप बने रहें और सारी बातों को ध्यान दें। कॉन्करेंट लाइन्स, कोलिनेरिटी ऑफ पॉइंट्स और कोइंसिडेंट पॉइंट्स, तो कॉन्करेंट जो बिहेवियर है वो लाइन्स का है, कोलिनेरिटी बिहेवियर है पॉइंट्स का है। डेफिनेशन देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। इन सारी बातों को समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ध्यान देना है। कॉन्करेंट लाइन्स का मतलब है लाइन्स पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट्स, देन दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे लाइन ली गई L1, L2, L3 और L4, चार लाइन ली गई हैं। ज्योमेट्री में यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है, देखिए एक कॉमन पॉइंट से L3, L4 और L1 पास हो रही है, तो एक कॉमन पॉइंट से तीनों लाइन पास हो रही हैं, तो ये यहाँ पे कॉन्करेंसी हो गई, कॉन्करेंसी हो गई, और ये लाइन्स इस कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रही, तो L2 कॉन्करेंट नहीं है। एग्जाम्पल में देखा जाए, बताया जाता है कि संगम जो इलाहाबाद में, तो तीन नदियाँ एक जगह आती हैं और मिलती हैं, तो वो सारी धाराएँ एक जगह मिलती हैं, तो कॉन्करेंसी का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन लीजिए, तो बहुत सारी ट्रैक आते हैं, एक जगह मिलते हैं, तो वो ट्रैक जहाँ मिल रहे होते हैं वो कॉन्करेंसी है। तो लाइन्स एक कॉमन पॉइंट से पास हों तो लाइन्स क्या होंगी, कॉन्करेंट। यानी पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन। कॉमन का मतलब है कि वो तीनों या चारों या पांचों लाइन पर वो पॉइंट लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है वो इन जिन जिन पे लाई कर रहा है, तो देखिए L3 पर है तो L3, L4 पे है तो L4 और L1 पे है तो L1। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है और L4 पर ये पॉइंट नहीं है, तो L2 पे पॉइंट नहीं है, तो ये कॉन्करेंट L2 नहीं है। कोलिनेरिटी ऑफ पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ बताया गया कि दोज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे कि यहाँ पे और पॉइंट हम लोग ले लें, तो ये सारे पॉइंट्स से होकर एक रेखा गुजरी इस लाइन पर, ये सारे पॉइंट जो अभी हमने बाद में लिए हैं वो लाई नहीं कर रहे हैं, तो एक लाइन अगर होके गुजर जाए या पास हो जाए तो वो सारे पॉइंट्स को लीनियर होंगे, एक समान रेखा पर लाई कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हम ले लें, बहुत सारे पॉइंट, तो अब देखिए ये वाली लाइन इन सारे पॉइंट्स पर ऐसे निकल के गई, तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं ऑन द सेम लाइन। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लें तो ऐसे ये लाइन गुजर जाएगी, तो ये सारे कोलिनियर हैं। अब इसको थोड़ा इधर ले लें, अगर ये एक लाइन गुजर रही तो ये भी कोलिनियर है, तो जो जो पॉइंट्स ये कोलिनियर हैं इसलिए ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये कोलिनियर इसलिए कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये कोलिनियर इसलिए इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियरिटी है बिहेवियर पॉइंट्स का, वो सारे पॉइंट्स जो समान लाइन पे लाई करें वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो पॉइंट्स के लिए कोलिनियरिटी यूज़ करते हैं और लाइन के लिए कॉन्करेंट सी। और कोइंसिडेंट पॉइंट्स, यहाँ देखो लिखा गया पॉइंट्स एंड लाइन्स बोथ आर कोइंसिडेंट। कहने का मतलब है कि जैसे एक पॉइंट ए लिया गया 2,3 और पॉइंट पी लिया गया 2,3, कोइंसिडेंसी आप ध्यान दें। यहाँ पर हमने दो पॉइंट लिए हैं, ए पॉइंट लिया है 2,3 और बी पॉइंट पी पॉइंट लिया है 2,3। अब प्लेन पर इसको ए बोला जा रहा है, इसको पी बोला जाएगा। जब आप प्लेन पे दोनों को दर्शाएंगे, ये भी यहाँ पर है ये भी यहाँ पर है, तो पॉइंट समान नहीं हुए, पॉइंट को इक्वल, ए और पी को इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉइंट एक रिप्रेजेंटेशन है। आप ये बोल सकते हो कि लोकेशन की क्या है, समान है, प्लेन पर एक ही जगह पर है, तो ये कोइंसिडेंट हो गए। तो इस पॉइंट्स ए और पी क्या है, कोइंसिडेंट है। अब लाइन की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले रहे हैं, एक लाइन ले रहे 2x + 3y - 4 = 0। जनरल फॉर्म में हमने लाइन ली है। आज जैसे यहाँ पर लिया गया है, जैसे ये दो लाइन देखो ली गई यहाँ पे, x + 2y + 4 = 0 और 2x + 4y + 8 = 0। अब देखिए दोनों लाइन अलग अलग हैं, आप बोलें कि अलग अलग कैसे हैं, आप कहोगे यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, आपकी लैंग्वेज में हम जा रहे हैं,
टू कॉमन ले लेंगे आप बोलेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएंगी, x प्लस टू वाई प्लस फोर बराबर जीरो। आप इसको इधर ले जाओगे, मगर आप ध्यान दीजिए कि लाइन को हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने x प्लस टू वाई और प्लस फोर बराबर जीरो लिया तो यहाँ पर कोफिशेंट आप a, a कितना है वन है, b कितना है टू है और c कितना है फोर है। अगर यहाँ लेंगे तो a को एक्स का कोफिशेंट टू है और वाई का कोफिशेंट फोर है, एट सी है कॉन्स्टेंट, तो कोफिशेंट यहाँ पे डिफर कर गए, बट वो कोइंसिडेंट इसलिए हो गया कि आपने कॉमन लिया, तो ये वाली लाइन और ये लाइन सेम हो गई। तो लाइन सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है कोइंसिडेंट है। एक और कंडीशन हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिखा देते हैं, और जैसे कि यहाँ पे ए और पी, अरे तुमने भी टू कॉमा थ्री लिया था ये तो कोइंसिडेंट हो गया ना, हाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही हो गया, मतलब ये पहले लिया गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने जो भी कंसिडर किया वही लिया है सेम डेक्टो है, ये है कोइंसिडेंट, ठीक सबसे बड़ा एग्जाम्पल। खैर यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि अगर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा कम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और सी टू बराबर जीरो ले रहे हैं, तो लाइंस को कोइंसिडेंट अगर माना गया, माना गया कि दोनों लाइन अलग अलग हैं पर कोइंसिडेंट है, तो इसके लिए कंडीशन आप नोट कर लें, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू। अगर रिस्पेक्टिव कोफिशेंट्स दो लाइन के रेशियोज बराबर होते हैं तो वो लाइंस कैसे ये होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो लाइन कंसिडर की गई, तो x का कोफिशेंट 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 बाई 4 भी क्या हो जाएगा 1 बाई 2, और 4 बाई 8 भी क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो यहाँ पर दोनों लाइन जो कंसिडर की गई उनके x के कोफिशेंट, y के कोफिशेंट और कॉन्स्टेंट टर्म जो थे उनका जो रेशियो निकाला गया वो समान आया, तो ये लाइन कोइंसिडेंट बोली जाएंगी, समान नहीं बोली जाएंगी, लाइन समान नहीं होती हैं, कोइंसिडेंट होती है, मतलब वो एक एक के ऊपर एक, जब भी आप इनको अगर ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लाइन ये पास हो रही दूसरी लाइन भी यहीं से पास होगी। तो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं ये जाने, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स कोलिनियर हैं एक समान रेखा पर है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, और कोइंसिडेंट इनका क्या क्या बिहेवियर है, और ये सब तीनों अलग अलग है, इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सारे पॉइंट्स को जब वो स्पेसिफाई करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर किया है, कॉन्करेंट लाइंस कैसे प्रूव करते हैं तो उसको देखते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ लाइंस ली गई हैं, 2x प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो, 4x प्लस थ्री वाई प्लस टू बराबर जीरो और 6x प्लस फाइव वाई प्लस थ्री बराबर जीरो। कहा गया कि वेरीफाई करिए ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं या नहीं है। तो उससे पहले एक बात जान लेते हैं, डेफिनेशन, प्रूविंग पे नहीं जाएंगे, डेफिनेशन जानते हैं, थोड़ा सा हिंट लेते हैं, एक शॉर्टकट भी आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो उसको डिस्कस करेंगे और उसी से लगाएंगे, बट सबसे पहले आपको उसका आइडिया होना चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि कॉन्करेंट कैसे प्रूफ हुई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस, यानी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल सेटिस्फाई द थर्ड लाइन। अगर तीन लाइन दी गई हैं उनमें से किसी दो, एनी टू, किसी भी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और थर्ड लाइन को सेटिस्फाइड कर गया तो तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ये शायद छूट गया है, कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फटाफट कैसे निकालते हैं, विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उसको बैलेंस करते हैं, पहले एक्स निकालते हैं फिर वाई निकालते हैं, तो टाइम लग जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, तो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक फुल वीडियो हम लोग आगे लाएंगे। तो यहाँ पर तीन लाइन इंटरसेक्ट कॉन्करेंट अगर हैं तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसका जो एक्स और वाई आएगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अब हमने बोला है कि आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो इसको फिर से रिमाइंड करेंगे। तो एक कंडीशन हमारी बनती है, वो कंडीशन देख लेते हैं कि जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकाल के यहाँ रखेंगे तो जो कंडीशन आएगी वो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आएगी। ए वन बी वन सी वन, कहने का मतलब इनके कोफिशियंट्स को हमने पहली रो में रख दिया, इस वाले कोफिशियंट को दूसरी रो में रखा और इस वाले कोफिशियंट को
तीसरी रो में रखा, एक डिटरमिनेंट 3x3 की बनाई और उसकी वैल्यू 0 अगर हो गई तो लाइंस तीनों क्या होंगी, कॉनकरेंट होंगी। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं जो हमें लाइंस दी गई हैं उनकी भी डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो देखो पहली वाली लाइन के देखिए कोफिशियंट 2 1 1 है, तो यहाँ पहली रो में क्या जाएंगे 2 1 1। दूसरी वाली को देखिए आप ध्यान दीजिए तो 4 3 और 2। थर्ड लाइन को देखिए 6 5 और 3। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व अगर करने पर वैल्यू 0 आई तो लाइंस कॉनकरेंट होगी, और वैल्यू 0 नहीं आई तो कॉनकरेंट नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप सॉल्व करना है तो कोई तरीका है इसके पास या सीधे सॉल्व कर लें? देखिए अब चाहें तो आप इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करना मैं एक बार अगर नहीं आता तो बता दें कि किसी भी रो को आप पकड़ते हैं, जैसे कि पहली रो पकड़ी आपने, इसको इस वाले को कंसीडर किया 2, उसके साथ आप माइनर लेते हैं मतलब एक रो हटा दी एक कॉलम हटा दिया, तो 2x2 की जो डिटरमिनेंट बनी उसको आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 और -10, फिर आगे आगे बढ़ेंगे -1, ऐसे ही करते जाएंगे। इसका माइनर लेंगे तो 12 -12, और फिर आगे जाएंगे तो 1, और ये आपको ये पता होगा बहुत ही सिंपल है। खैर फिर भी हम लोग इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बट डिटरमिनेंट मैंने बोला कि इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, रूटीन मेथड है, एक्सपेंशन करना डिटरमिनेंट का आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उनके लिए बताया गया डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। देखिए इस कॉलम को आप ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ से अगर हम इस कॉलम में 2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो आप किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से एक कोई समान फैक्टर या कॉमन वैल्यू बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हमने बाहर ली तो ये आया 1, ये 2, ये 3। अब ये एज इट इज रही क्योंकि इस पर कुछ नहीं किया, और 1 2 3। अब आगे एक प्रॉपर्टी लगाई कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम समान हो गया, आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिटरमिनेंट को 0 बना दिया। अब डिटरमिनेंट ये 0 हुई, इसका मतलब ये जो कोफिशेंट जिन लाइंस के बने थे वो लाइंस क्या है, कॉनकरेंट है। तो कॉनकरेंसी ऑफ लाइंस कैसे प्रूव की और कैसे लगाएंगे, आप ये अपने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लीजिए और आगे अप्लाई करिए। तीन लाइंस कैसे कॉनकरेंट होंगी, सीधे डिटरमिनेंट बनाइए और उसको प्रूव करिए। ठीक, कोलिनिटी ऑफ पॉइंट्स को हम लोग पहले भी देख चुके थे, एक बार थोड़ा सा बस ब्रीफ डिस्कशन देख रहे हैं जिससे कि आप दोबारा कर पाएँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए गए हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो एक सीधी रेखा में होंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया था पहले ही कि एरिया ट्राइंगल को अगर 0 कर देंगे तो जैसे एरिया ट्राइंगल 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो आप इस भी डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं, या आप स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी से, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी से भी आप निकाल सकते हैं। या एक और तरीका बताया गया था वो ध्यान दें, इसका इसका डिफरेंस लिया था, इससे इसको घटाया गया था तो 5 से 4 को घटाया गया 1 आया, उसी तरीके से इसको भी घटाएंगे, इसको इससे घटाया गया था ध्यान दें, इस वाले को इससे घटाया गया मतलब वाई को वाई से, मगर एक डायरेक्शन भी है, इस वाले को इससे घटाया गया 1 आया, इस वाले को इससे घटाएंगे तो हमारा -1 आएगा। अब इनका इनका रेशियो ले लेंगे, इसका ऐसे रेशियो तो 1/-1 तो -1/1 आ गया, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इसका इससे, इसको इससे घटाएंगे तो 1 आया, और इसको इससे घटाएंगे तो -1 आएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिस तरीके से इसको इससे घटा रहे हैं उससे इसको इससे घटाएंगे और यहाँ पर रेशियो ले लेंगे तो रेशियो समान आ गया। तो एक ऑर्डर में जो किया है वैसे आप 3 पॉइंट्स को सिंपल रखिए और वाई को वाई से, एक्स को एक्स से रेशियो, फिर आगे बढ़िए y का y से और x का x से, फिर रेशियो, अगर रेशियो समान आता है तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो दो कॉन्सेप्ट हमने देखे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो कोई भी अगर आगे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। लाइंस 3 कंसीडर की थी, कैसे कोलिनियर हुई उनको देखा, और पॉइंट्स 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव किया वो देख लिया। आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे, आप उनको करिए और आगे फीडबैक ज़रूर देते रहिए। कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप उसको फीडबैक के थ्रू दे सकते हैं। पता है कि ये जानते भी हैं कि कोऑर्डिनेट एक बड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, तो जब भी आप उसको शुरुआत करते हैं तो धीमे धीमे इंटरेस्ट खोने लगते हैं या आपको टफ लगने लगता है, बट बिना इस चीज़ को समझे न बिना इस चीज़ को जाने आप किसी भी अच्छे एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो जो लोग कोऑर्डिनेट पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए वीडियोस सीरीज बनाते जा रहे हैं और लास्ट तक इसको एक साइड में लेके पूरा पूरा ख़त्म करेंगे, ये पहले से बोला है। तो ये सारी सीरीज़ पूरी कंप्लीट होगी लास्ट तक,
बाकी टॉपिक्स हम लोग उनके प्लेलिस्ट, उनकी जो आपने डिमांड की थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएं, तो वो हम लोग डाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो आप उनको भी करते रहिए, लास्ट तक बने रहें। जो लोग भी दो या चार जो भी हो, हमने शुरुआत से बोला है कि वो लास्ट तक बने रहेंगे तभी उनको फ़ायदा होगा। बाकी भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पर भी, हम जब एकेडमी में यहाँ पर भी ऐसी कोई डिमांड नहीं रखते हैं कि आप लोग बहुत सारे भीड़ में, क्योंकि भीड़ जहाँ भी जुटती है तो वहाँ पर ऐसे नाटक ही हो रहा होता है, लोग जो फाइटर्स होते हैं वो कम ही होते हैं। तो जो लोग अभी भी रुके हुए हैं आगे तक रहेंगे वो फाइटर्स हैं, उनको मोटिवेशन या मोटिवेट करके ही नहीं आना पड़ता है, वो खुद अपने आप ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं। जो मोटिवेट किया जाते हैं, बार बार जगाए जाते हैं, तो वो लोग भीड़ होते हैं, वो किस दिन जागते हैं फिर सो जाते हैं। तो ऐसे लोग अभी सो जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट तक वही जा पाएंगे जिनके अंदर गट्स हैं और भूता है, तो वही लोग आगे बढ़ें। और लास्ट में जैसे कि टॉपिक में एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उनको करिए। आज का जो टॉपिक का सेशन पूरा लिया है और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं पर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चंस इकट्ठे बताए जाते हैं कि जब भी किए जाते हैं एक टॉपिक के एक साथ क्वेश्चंस देना टफ है, आप ज़रूर उनको लगाएं। जो लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को ज़रूर लगाया करें। और जब हमने क्वेश्चंस देना बंद कर दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि प्लीज़ क्वेश्चन दीजिए, तो जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वो ज़रूर क्या करें, लगाने के बाद आंसर्स या फीडबैक जरूर दिया करें। बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ और इस बार स्पेशली रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने पर्सनली बोला था कि क्वेश्चंस दिए जाएं, तो वो ज़रूर इस बात को रिस्पॉन्ड करें। इस वाले वीडियो अगर वो देख रहे हैं लास्ट तक पहुँचे हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल पे हैं और कहाँ पर दिक्कत है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देते हैं, कोशिश यही करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएँ। ठीक है, थैंक यू।